इस बार हम देखेंगे कि डेटा को इंपोर्ट करने के बाद और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके पहले आप जो प्लेलिस्ट में वीडियोस है वो देख लीजिए, उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। पहले हमने क्या किया है, डेटा इंपोर्ट और क्लीन किया है। वो हमने कहाँ किया था, वो हमने ट्रांसफॉर्म यानी के पावर क्वेरी में किया था। अभी डेटा को जो सुधारना है वो हम पावर बी आई डेस्कटॉप में करते हैं। चार चीजें कर सकते हैं, ग्रुप्स और रोल्स अगली बार देखेंगे, फिलहाल रिलेशनशिप देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास डेटा क्या है। एक टेबल है जिसमें ट्रांजैक्शंस है 1500, हर एक रो में किस दिन पे कौन सा कार्ड यूज करके किस लिए खर्चा हुआ, मेल था फीमेल था, एज क्या था और अमाउंट कितना था, ऐसा डेटा है। अभी सिटी आईडी सिटी का नाम नहीं है, नंबर है। अभी सिटी का नाम कहां से मिलेगा उसके लिए अलग टेबल है जिसका नाम है सिटीज। इसमें वो नंबर है वो मैच करना है और बाद में सिटी और कंट्री मिल जाएगा। ये हमेशा एक्सेल में हम इस चीज के लिए वी लुकअप यूज करते हैं। हमारे पास और एक टेबल है जिसमें फ्लैग का इंफॉर्मेशन है, झंडे का, कंट्री का झंडे का जो है उसका इमेज का लिंक है ये। अभी इन तीनों टेबल्स को हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है या जोड़ना है। ये मॉडल टैब में तीनों टेबल दिख रहे हैं लेकिन इनों में कोई कनेक्शन है नहीं। अभी इस वक्त हम इन टेबल का अगर इस्तेमाल करें रिपोर्ट बनाने के लिए तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं देखना चाहता हूं कि कंट्री का कितना बिजनेस हुआ है, सो कंट्री ड्रैग ड्रॉप किया और उसके ऊपर अमाउंट भी ड्रैग ड्रॉप किया। हमको मैप में नहीं देखना है, पिवट टेबल जैसा देखना है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से क्या दिख रहा है, सब नंबर तो सेम ही हो गए। ऐसे क्यों सेम हो गए, क्योंकि सिटीज टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल के बीच में कोई कनेक्शन या रिलेशन है ही नहीं। मॉडल व्यू में सिटी आईडी हमको मालूम है और नंबर ये दोनों सेम है, तो यहां से ड्रैग करना है, वहां पे ड्रॉप करना है, वहां से यहां भी ड्रैग चलता है, कोई फर्क नहीं। अभी जाके देखेंगे तो ये रिपोर्ट सही हो गया। ये है फायदा रिलेशनशिप का। अभी इधर माउस कर्सर लेके जाने से दोनों साइड का कॉलम दिखाता है। एक साइड पे एक लिखा है क्योंकि एक ही यूनिक नंबर हो सकता है हर कंट्री के लिए, और दूसरे साइड पे स्टार, इसका मतलब हर कंट्री में ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसी तरह से अभी हमको सिटीज और फ्लैग के बीच में भी रिलेशनशिप बनाना है, जो कंट्री और कंट्री है ड्रैग कर देंगे। ये दोनों का नाम सेम होने का जरूरत नहीं है लेकिन डेटा बराबर चाहिए। हम देखते हैं हर एक टेबल को और कॉलम को क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी राइट साइड में दिखेगा, अगर क्लिक बाहर करते हैं तो कुछ नहीं दिखेगा। ये इस टेबल का प्रॉपर्टीज है और हर एक कॉलम का भी प्रॉपर्टीज होता है। पहले देखते हैं नाम और डिस्क्रिप्शन। नाम तो सिंपल है, जो हमने इंपोर्ट किया वही है। अगर हम चेंज करते हैं तो वो पावर क्वेरी में भी चेंज हो जाएगा और रिफ्रेश करने के बाद चेंज किया हुआ नाम रहेगा। अभी हमको समझना है कि क्या है इस कॉलम में, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अभी ये डिस्क्रिप्शन दिखेगा किधर, जब रिपोर्ट बनाने जाएंगे उधर फील्ड के ऊपर टूल टिप में दिखेगा। इससे क्या होगा, रिपोर्ट बनाने वाले को आसानी होगी। अभी एक और बहुत ही बढ़िया चीज है पावर बीआई में, उसको बोलते हैं Q&A, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। यह है Q&A का बटन। हम डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो भी Q&A आता है। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन पूछो,
सवाल पूछो, मैं आंसर दे देता हूँ। जो भी अपने फील्ड के नाम है वो हम वापर सकते हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे टोटल अमाउंट दिखाओ। दिखा दिया उसने, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं, ड्रैग नहीं, ड्रॉप नहीं, इसको बोलते हैं क्यों आने। अभी इसमें क्या है, अगर मैं दूसरा कुछ नाम डालूं, क्योंकि हम अमाउंट नहीं बोलते हम उसको, हम बिजनेस बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू डाला उसको नहीं समझने वाला है, तो अभी क्या करें। उसके लिए हमको पावर बीआई को समझाना पड़ेगा कि अमाउंट का नाम रेवेन्यू भी है, उसको बोलते हैं सिनोनिम। तो वो कैसे करेंगे, वापस हम मॉडल व्यू में आ गए, अमाउंट पे क्लिक किया और द सिनोनिम डाले। अमाउंट तो है ही, कॉमा डाल के जो भी हमको और सिनोनिम डालने डाल सकते हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट, बिजनेस, तीन चार डाल दिए। अभी ये करने से क्या होगा, पावर बीआई को समझ गया। तो अभी हम वापस जाएंगे तो उसको टोटल रेवेन्यू भी समझ रहा है। अभी क्या होता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, इस बार तो कम है, लेकिन जब सही वाला डेटा आता है तो उसमें काफी टेबल होते हैं, काफी कॉलम होते हैं। तो उसको सिंपल करने के लिए क्या करें, फोल्डर बनाएंगे, उसको ग्रुप करेंगे। तो फोल्डर को नाम देते हैं और उस फोल्डर के अंदर दूसरे फील्ड डालेंगे। तो अभी अमाउंट नंबर्स के अंदर गया, सब नंबर वाले फील्ड साथ में। तो ईयर में भी तो नंबर है, तो मैं ईयर को भी ड्रैग कर रहा हूँ और नंबर के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ। नाम डायरेक्ट डाल सकते हैं या ड्रैग ड्रॉप भी चलेगा। सेम चीज़ हमको करना है एज के लिए, ड्रैग करके फोल्डर के ऊपर ड्रॉप करो। ये फोल्डर यहाँ दिखेंगे और हमको उससे फायदा होगा। रिपोर्ट व्यू में फोल्डर दिखेंगे। अभी क्या है, इसमें ये नंबर, सिटी आईडी, ये सब कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उनको हटा देंगे। डिलीट नहीं करना है, हाइड करना है। कैसे करेंगे, सिटी आईडी पे क्लिक किया, बोला हिडन बना दो उसको, ख़त्म। तो कंट्री और नंबर ये भी नहीं चाहिए हमको, उसको भी हिडन बोल दो। या दूसरा तरीका है, राइट क्लिक करके बोलो हाइड इन रिपोर्ट व्यू। डिलीट नहीं हुए, सिर्फ वो अलग से आइकॉन आया उधर, हिडन है। यहाँ दिख रहे हैं कहाँ से हिडन है, जब रिपोर्ट व्यू में जाएंगे तो उधर का लिस्ट थोड़ा छोटा हो गया, आसानी होगी। अभी बहुत सारे कॉलम्स है हमारे पास, हर कॉलम को अपना अपना टाइप होता है। अभी ईयर है, वो क्या है, नंबर है। हर एक कॉलम को अलग अलग टाइप होता है, फॉर्मेटिंग भी अलग अलग होता है। डेट को बहुत सारे टाइप के फॉर्मेट मिलेंगे आपको। अभी समझो अमाउंट है, उसको अभी होल नंबर है और उसका फॉर्मेटिंग है, उसमें आप परसेंटेज, थाउजेंड सेपरेटर भी डाल सकते हैं। अभी देखते हैं, समझो मैंने ईयर को ड्रैग ड्रॉप किया तो क्या हुआ, उसमें बार चार्ट आया, लेकिन हमको डायरेक्ट नंबर देखना है, पिवट टेबल जैसा, इसका मतलब मैट्रिक्स। अभी उसने क्या किया, ईयर पूरा ईयर का टोटल कर दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ईयर में अंदर क्या है, नंबर ही तो है, और पावर बी आई हर नंबर का टोटल करता है। ईयर को क्लिक करे, बोला समरी में सम मत करो, कुछ मत करो। कुछ मत करो मीन्स नन। उम्र के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज या औसत। अभी एक चीज देखिए, हमने मंथ कॉलम को ड्रैग ड्रॉप कर दिया। मंथ तो जैन, फेब, मार्च वैसा आना चाहिए। ये तो अप्रैल से आ रहा है पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक्सेल में ये पहले से ही मालूम है, एक्सेल को ये लिस्ट बनी रहती है, कस्टम लिस्ट, पावर बीआई को मालूम नहीं है, तो हमको बोलना पड़ता है। कैसे बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि मंथ को अल्फाबेटिकल मत करो, उसको मंथ का नंबर वापरो। अभी मंथ का नंबर कहाँ है, कोई हमारे पास ऐसा कॉलम ही नहीं है डेटा में, इसलिए प्रॉब्लम है। सो अभी हम बोलेंगे सॉर्ट बाय कॉलम। फिर नया कॉलम ऐड करने के लिए हमको डेटा व्यू में जाना पड़ेगा, और उधर होता है न्यू कॉलम बटन, उस पर क्लिक करने के से एक्सेल जैसा ही फॉर्मूला बार आता है। कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हैं। सो मैं उस कॉलम को बोलूँगा मंथ नंबर इक्वल टू
फिर फंक्शन यूज करना एक्सेल जैसा। फंक्शन क्या है? मंथ फंक्शन होता है ना, उसका सिंटैक्स क्या है? उसको सिर्फ कॉलम का नाम देना है, एक्सेल जैसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट आता है, कौन सा फील्ड है, डेट, टैब दबा के सिलेक्ट करें, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो नया कॉलम बन गया मंथ नंबर। अभी ये जो कॉलम है मंथ को जाके प्रॉपर्टी चेंज करना है उसका, उसको बोलो मंथ को मंथ से सॉर्ट मत करो। अभी हमने जो नया कॉलम बनाया मंथ नंबर, उससे सॉर्ट करो, फिर अगर रिपोर्ट में जाके देखे तो अपना काम बराबर से हो गया। कोई भी चीज़ अलग अलग तरीके से सॉर्ट करनी हो, जैसे प्रोडक्ट का नाम हो, लोकेशन, उधर सॉर्ट बाय कॉलम यूज होता है। आखिर में देखेंगे कैटेगरीज क्या होता है। अगर हम जाके देखें हर कॉलम में कैटेगरी तो अनकैटेगराइज्ड है। देखते हैं, एक सिटी है, सिटी में टाइप क्या है, टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, लेकिन इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, एक जगह का नाम है, वो हमको बताना है पावर बीआई को। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए कैटेगरी यूज होता है। अगर कैटेगरी ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ये जो ऊपर वाले है वो सब जगह के कैटेगरीज है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, देश है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, सब कुछ है। तो हम इधर बोलेंगे सिटी, वैसे ही हम कंट्री को बोल सकते हैं कंट्री और रीजन। अभी ये कैटेगरी सेट करने से क्या हुआ, डेटा तो वही है लेकिन रिपोर्ट बनाने के टाइम उधर एक अलग से आइकॉन दिखता है और जब ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो वो अपने आप मैप निकालेगा, टेक्स्ट बोल के नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको समझ गया कि ये अभी लोकेशन है। अभी इसमें देखिए अपने पास फ्लैग है, फ्लैग का इमेज उसका लिंक अपने पास है, इमेज नहीं है, वो कोई वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो अगर वो फ्लैग कॉलम मैं ड्रैग ड्रॉप करूं तो वो लिंक दिखाएगा, उसका क्या फायदा, हमको लिंक नहीं देखना है, हमको उसका पिक्चर देखना है। वो कैसे करें, फ्लैग पे क्लिक करें और इसको कैटेगरी देते हैं इमेज यूआरएल। बस इतना करने से वो समझ जाता है और अभी लिंक के बदले में देशों का झंडा दिखाएगा। अभी उससे फायदा क्या होगा, हम उसको डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं, जो भी फ्लैग पे क्लिक करेंगे वैसे फिल्टर होगा। जब कोई भी कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक मेनू आता है कॉलम टूल्स, उसमें भी ये सारी चीजें होती है, लेकिन प्रॉपर्टी विंडोज करने में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए मैंने वो तरीका आपको बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्रुपिंग और रोल्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वापस मुलाकात होगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।